नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल के चेरडांगा इलाके में सीसीटीवी में कैद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने इस क्षेत्र के लोगों को हैरान और परेशान कर रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह लंबा चौड़ा शख्स बाउंड्री वॉल पर चढ़ता है और फिर अनोखे तरीके से सीसीटीवी की पहुंच से दूर हो जाता है। पिछले 10 दिनों से लोग परेशान हैं, दहशत में हैं और इसे कुछ अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। स्थानीय कांग्रेसी नेता विंसेंट विलर असमंजस में है कि क्या यह कोई चोर है या कोई और प्राकृतिक घटना। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस घटना को भूत और एलियन जैसी चीजों से संबंधित बता रहे हैं तथा उन्होंने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। ये एक महीना से वैसा हो रहा है, ये दहशत फैला के रख दिया है यहाँ पर चिड़ंगल में। कोई बोल रहा है भूत है, कोई बोल रहा है एलियन है, कोई बोल रहा है चोर है, लेकिन ये चोर है कि भूत है कि एलियन है, इसका तो तहकीकात पुलिस को करना चाहिए ना। पुलिस यहाँ पर का पुलिस सोई हुई है, केवल चुपचाप से खाली आ रही है, पूछ रही है, चल जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है इसका तो मालूम करना चाहिए, इसको आना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए, लेकिन पुलिस भी सोया हुआ है। यहाँ का पुलिस का काम यहाँ का आम पब्लिक कर रहा है, यहाँ का जो बच्चा लोग है, यंग बच्चा लोग है, ये लोग पहारा कर रहा है। क्यों भाई, वो भी तो किसी का बच्चा है, अगर उसे कुछ हो जाएगा, जो काम पुलिस को करना था वो लड़का लोगों को करने पड़ रहा है, तो पुलिस ये काम कब करेगी, इसका तहकीकात करना चाहिए। आप लोग ये कब से मामला देख रहे हैं? एक महीना से हो रहा है, एक महीना से सभी अपने अपने दहशत का माहौल है, सब अपने अपने घर में 8 बजे से ही घुस जाती है, सब बाल बच्चों को लेकर घुस जा रहा है, घर बंद कर दे रहा, सुनसान हो जा रहा है, कोई नहीं है, वो दहशत का माहौल हो गया। लेकिन ये क्या सच्चाई है अभी तक इसका पता नहीं चला। आपका नाम? मेरा नाम विंसेंट व्हीलर है। वार्ड नंबर 80 के शांति नगर स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में काउंसिलर विनोद यादव ने मेयर जितेन तिवारी और अड्डा चेयरमैन तापस बनर्जी की उपस्थिति में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सभापति सिंह और CPM के बेचू यादव को तृणमूल का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल किया। मेयर जितेन तिवारी ने कहा कि इन दोनों की TMC में मौजूदगी से पार्टी और मजबूत होगी। स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारी पार्टी की ओर से, तपसदा की ओर से, दीदी की ओर से, और निश्चित रूप से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो काम कर रही है हर तरफ, और लॉकडाउन के समय में उन्होंने जिस तरह काम किया है, और यहाँ के विधायक हमारे नेता तपसदा ने लॉकडाउन के समय जो काम किया उसको देख कर ही, और दीदी के काम को देख कर ही, दोनों लोग जो लोग पिछले नगर निगम चुनाव में यहाँ से प्रार्थी थे, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक आदमी CPM पार्टी की ओर से, वहाँ से मोहभंग हुआ और हमारी ममता बनर्जी की पार्टी में तापसदा जी ने पार्टियाँ शामिल हुए। इस पार्टी में इनके आने से हमारा संगठन और यहाँ मजबूत होगा, और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और विनोद यादव जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं उनको तापसदा के नेतृत्व में काम करने की और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और टीम वर्क के रूप में हमारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। इनकी योग्यता के अनुसार, इनकी क्षमता के अनुसार पार्टी विभिन्न समय में इनको अपने जनता की सेवा में इन्हें उपयोग में लाएगी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से हर त्योहार फीका पड़ रहा है। आए दिन आंकड़ों में वृद्धि के कारण लोगों में डर का माहौल है। 2 दिन बाद ही स्वतंत्रता दिवस है, इसे लेकर बाजार में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिल रही है। अगले वर्ष इस बार का बाजार कैसा है आप लोगों का, क्या स्थिति है? इस साल स्कूल बंद है, तो काफी बच्चों का जो स्कूल में आइटम चाहिए होता था, जैसे फ्लैग हो गया, ये सब हो गया, वो सब का अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, और कोरोना के कारण भी मार्केट में मंदी चल रहा है, इसी कारण मार्केट ठीक है, पहले से काफी नरम है इस साल। तो छोटे छोटे जो विक्रेता आते थे खरीदने के लिए उसका कैसा दिख रहा है, क्या? नहीं, बच्चे जैसे आते थे 2 फ्लैग लेने 3 फ्लैग लेने, आजकल उन लोगों को मार्केट में दिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कोरोना के कारण घर पे हैं, उनके माता पिता बाहर निकलने नहीं दे रहे, और जो हमारे एक दो ऐसे कस्टमर है वो भी आ रहे हैं, पर उनका माता का। आप लोग तो थोक विक्रेता हैं, हाँ, तो आपके छोटे छोटे जो व्यवसायी आते हैं आप लोगों का, उन लोगों का क्या रिएक्शन है आप लोगों पर, क्या माल कैसा खरीद रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं अगले बार से? माल तो बिक्री है ही, ऐसा नहीं है कि माल का बिक्री नहीं है, पर जितना हमारा क्वांटिटी बिक्री होता था इस साल उतना नहीं। तो कितना % मानते हैं कि अगले बार से इस बार का आप लोगों का बिक्री होगा? मेरे अराउंड 30-40% का हमारा गिरावट है इस साल। आपका नाम? साकेत। स्कूल में सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद चोरों ने रात के अंधेरे में ताला तोड़ दिया और स्कूल के कार्यालय में घुसकर अलमारी खोली और 51,000 रुपए चुरा लिए। घटना आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत सेंड्रेले कन्यापुर हाई स्कूल में हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
বিভিন্ন সময়ে আমাদের অ্যাডমিশন চলছে, ইলেভেন টুয়েলভ যারা পাস করেছে তাদের যে অ্যাডমিশনগুলো চলছে, কালকে এরকম চারটে পর্যন্ত হয়েছে। দিয়ে আমি তো ডিআই অফিস বেরিয়ে গেলাম, এরা তখন বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে। এবং এখন যেহেতু তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অ্যাডমিশন চলে, যার জন্য টাকাগুলো ব্যাংকে পাঠানো যায় না, প্লাস কাজও চলছে এই সময়, মানে এতদিন ধরে বন্ধ আছে, দিয়ে তো চলে গেছি। দিয়ে ডিআই অফিসে কাজ করে আমি ঘটে দিই। আজকে যখন দশটার সময় স্কুল গেটে আমি চলে এসেছি, তখন আমার ডি গ্রুপে ওরা তো খুলে গেছে, ওরা আমার সঙ্গেই প্রায় ঢুকেছে, আমাকে ওখান থেকেই ফোন করছে এখান থেকে যে স্যার এখন সমস্ত ভাঙা দেখছি আমরা। ঠিক আছে দাঁড়া, আমি ঢুকে গেছি। দিয়ে আমরা তো এসে দেখলাম সমস্ত ভাঙা তোরা সব দিকে ফেলে দিয়েছে, এদিকে আলমারি ওই আলমারিটা খোলা ভেঙেছে যেমন করে হোক আর কি। দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তো আমি এসে গেলে খারাপ লাগলো। দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম থানাতে, ফোন করলাম, ওরা সঙ্গে সঙ্গে এলো, ওরা এসে সমস্ত ছবি টবি তুললো। দিয়ে তারপর ওরা আমার যে বড়োবাবু থাকে, এখন লকডাউন তো অল্টারনেট টাইমে সব আসছে, দিয়ে ওকে আমি আসতে বললাম, ও হসপিটালে এলো, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। দিয়ে টাকাগুলো যেহেতু আমাদের একটা জায়গাতে করা থাকে আর কি, অ্যাডমিশনের টাকা বা যে কম্পিউটার রুম তৈরি হচ্ছে তার তো কাজ চলছে, তারও টাকা তুলে রাখতে হয়, তো পারা যায় না। দিয়ে ওকে তো হিসেবটুকু করতে বললাম, ওই টোটাল হিসেব করে দিলো প্রায় 51,078 টাকা, মানে শুধুই টাকা নিয়ে গেছে, আর কোনো কিন্তু কাগজপত্র আসেনি। এখানে ছোলা আছে, সব থেকে বড় ব্যাপার আমার আলমারিটা করেনি, তার মানে আমার মনে হচ্ছে এটা কেউ জানে, তাহলে টাকাগুলো যে কোথায় থাকে এটা তো আমার নিজের ধারণা আর কি। প্লাস নাইট গার্ড থাকে, আমি তো নাইট গার্ড ক্রস করলাম অনেকক্ষণ ধরে, আমি বললাম তুই এসেছিলিস কিনা সত্যি কথা বল, তাহলে এতক্ষণ ধরে 2 ঘন্টা ধরে প্রায় কাজ করতে সময় লেগেছে, লোকালিটি অনেক এসেছে বলুন সাথে প্রচুর সময় লেগেছে। এবং ওকে তো পুলিশ নিয়ে গেলো, ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। দিয়ে তারপর ওরা কমপ্লেনটা করে এসছে কাগজ, এখন বড়বাবু তো এখন ম্যাক্সিমাম সময় বেরোচ্ছে, এটা FIR করে তারপর আমাকে কপিটা দিচ্ছে। নাইট গার্ডের বক্তব্য কি, উনি কি বলছেন? নাইট গার্ডের বক্তব্য এসছে, আমাকে বলছে এসছি। আমি বলি তুই এত বড় জিনিস হচ্ছে, ও বুঝতে পারেনি, ও বলছে আমি বুঝতে পারিনি স্যার ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাহলে আর কী কাজ করবি তাহলে, কারণ উপর তলায় তো বলতে হবে নতুন কম্পিউটার ঢুকেছে, ICT কম্পিউটারে কিছু হয়েছে, আনটাচড আছে কম্পিউটার, আচ্ছা এগুলো সব উদ্ধার করে দিতে হবে। সাজার আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, তো ভাউচার মানে কোথাও আর কিচ্ছু নাই, সব তো ইয়ে করে দিয়ে চলে গেছে। আমার নাম জয়দীপ বিশ্বাস। বাসুদেবপুর জমারি তৃণমূল কংগ্রেস আঞ্চলিক কমিটি কি ওর সে গুরুবার কে দিন এক সভা আয়োজিত কি গই। এই সভা মে বারাবানী বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মোহাম্মদ আরমান অসিত সিং মুখ্য রূপ সে উপস্থিত থে। আমরা যেহেতু দিদি কে বলো বাংলা প্রায় প্রতিটা গ্রামে ঢুকেছিলাম আমরা বাসুদেবপুর জমারিতে, আমাদের জেলা সেক্রেটারি আমি যেহেতু ঢুকতে পারিনি তখন অন্যদিকে আমার প্রোগ্রাম ছিল, সেই কারণে আমি আজকে বাসুদেবপুর জেলার পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকে আমরা কর্মী মিটিং ডেকেছিলাম, নেতৃত্ব মিটিং ডেকেছিলাম, কোথায় কী অবস্থা আছে কি না আছে একটু রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি জানলাম সব কিছু। এবং নেক্সট উইক থেকে আমি বাসুদেবপুর জেলার প্রতিটা গ্রামে যেটা দিদিকে বলো বাংলা গ্রামে মূল হয়েছিল সেই হিসাবে আমি সবার সব গ্রামে যাব, গ্রামের অসুবিধা চিনি। জলটা বেশি পরিমাণে পাবো, তো জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি সমস্যা আছে, মানুষের গ্রিডের প্রবলেম আছে, আর ওই জেনারেল আসলে যেটা আমাদের পেনশন आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाए। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें। कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल।
हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098418767688228218।